हमें देखने वाले सारे दर्शकों को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। और आज दशहरा के शुभ अवसर पे हमारी बहुत ही प्यारी फिल्म छलिया आज उसका प्रीमियर है और आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए, इसके लिए आप सभी मीडिया बंधु को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे दर्शकों से? 18 तक रिलीज हो रही है, हमारी फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रमोद शास्त्री जी, जिन्होंने इसके पहले रब्बा इश्क़ बनाया था, आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला था, और सेम प्रोड्यूसर गौतम सिंह हमारे बड़े गार्जियन हैं और काफ़ी प्यार देते हैं। तो छलिया बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है और हमें उम्मीद है कि जैसे आप लोग हर फिल्मों को प्यार देते हैं, छलिया आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगी और आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। एक बार फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर साथ थे आपने छलिया की, जब इसमें होने के बाद क्या कहना चाहेंगे साथ? ये एक बोलते हैं ना होम प्रोडक्शन, जो हम लोग अपना बनाते तो उसको बोलते हैं होम प्रोडक्शन, ऐसा ही हमारा ये स्टार म्यूजिक वर्ल्ड है, ये होम प्रोडक्शन ही समझिए। और ये जो भी हम लोग प्रमोद सर से बोलते हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रमोद शास्त्री जी, इतना मानते, इतना बेटा की तरह मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं, हम जो चीज़ सोचते नहीं हैं वो चीज़ वो फिल्मों में डालते हैं, फिल्म में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और हमको लगता है कि छलिया आप लोग देखेंगे 18 अक्टूबर को जो रिलीज होगी, बिहार झारखंड मुंबई गुजरात में एक साथ रिलीज हो रही है, तो फुल एक्शन, फुल कॉमेडी, फुल रोमांस, मतलब एक इंटरटेनिंग फिल्म है। और हर फिल्मों का उद्देश्य होता है कि एक सामाजिक संदेश, और जैसा कि भोजपुरी को लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में केवल कॉन्सेप्ट पर फिल्म नहीं बनती है, तो ये हमारी जो छलिया फिल्म है ये एक जाते जाते सामाजिक संदेश भी आप लोग को देखे जाएगी। हर्ष ठाकुर जी, आप क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारक दशहरा का, और इस अवसर पर आपका प्रीमियर रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले दर्शकों को, और किस प्रकार का आपका किरदार है इसमें थोड़ी सी जानकारी दें, छलिया बलिया ललिया कौन है? हमें देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। हाँ, हमारी बहुत ही प्यारी फिल्म है ये और एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें मेरा रोल थोड़ा सा दबंगई हूँ मैं, जो कि हूँ मैं एक्चुअली, तो वो मेरा रोल है, काफ़ी अच्छा रोल है मेरा। एंड दिस फिल्म इज़ नॉट अबाउट कि इसमें किसका क्या रोल है। ये फिल्म में एक्चुअली एक बहुत अच्छा सोसाइटी को मैसेज दिया गया है, एक करप्शन एंड ऑल्स पे, तो ऐसा कुछ ऐसा स्पेशल रोल नहीं है, तो इसका ऐसा ही है बस। केमिस्ट्री कैसी है पल्लू के साथ पर्दे पर? वैसे तो बहुत बोला है, साल भर में मुझे साल भर हो गया इंडस्ट्री में, और साल भर में मैंने 7 फिल्में की, 7 में से 5, तो आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री कितनी अच्छी होगी। हम लोग फिल्में कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जैसे राम जी हैं, या आप लोगों का मैसेज आता था कि मीडिया से आप लोग कब रूबरू होंगे, और जब भी हम लोग पिक डालते हैं, पत्थर के सनम हमारी फिल्म रिलीज हुई थी, तो जितने भी हमारे युवा दर्शक है जो हमें पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, बुजुर्ग लोग भी हमारी फिल्म देखते हैं, लेकिन युवा का काफी मतलब ये कमेंट्स आते हैं कि आप लोग मीडिया के सामने कब आपका इंटरव्यू आएगा, फिल्म तो देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं। तो फाइनली दशहरा के शुभ अवसर पर हम दोनों आप सबके बीच हैं, और बस यही कहेंगे कि हमें ही नहीं, छलिया की पूरी टीम बहुत मेहनत की है। आप लोग 18 अक्टूबर को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आज हर लोग जब भी ट्रेलर रिलीज होता है तो नीचे कमेंट्स में आता है कि YouTube पे पूरी फिल्म कब आएगी, तो आप लोग YouTube का इंतजार ना कीजिए, जाके फिल्म को, फिल्म सिनेमा हॉल के लिए बनता है, थिएटर के लिए बनता है, तो आप लोग थिएटर में जाके फिल्म देखिए। हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से ये निवेदन है। एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा लगा, इनफैक्ट हमने सेट पे बहुत मस्ती भी की है, और कैरेक्टर भी मेरा ऐसे ही चुलबुला टाइप है, तो वैसा ही है, और बहुत उम्मीद है बिकॉज फर्स्ट है, तो मैं भी चाहती हूँ कि जितना प्यार हमें संघर्ष को मिला था ना, उतना प्यार इस फिल्म को भी मिले। और कैसा कैसा रहा जब काम कर रहे थे अरविंद के साथ, यामिनी जी के साथ, तो कोई कुछ ऐसा घटना है जो आप शेयर करना चाहेंगे? उन्होंने डाटा वाटा होगा, सीनियरिटी दिखाई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, हम लोग काफी फन करते थे सेट पे, सुबह नहीं है वो मेरी क्यों मेरा अच्छा वाला काम बिगाड़ रहे आप, ऐसा कुछ नहीं है मेरा किसी के साथ, कुछ साथ नहीं है तो, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और ये इंडस्ट्री को पता चलना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि एक मूवी कर रहे हैं हम लोग साथ में, या कोई भी हीरो हीरोइन साथ में काम करे, तो उन दोनों के बीच में कुछ चल ही रहा हो, क्योंकि होता है एक मुझे ट्यूनिंग इनके साथ जो दिखी वो किसी और के साथ नहीं दिखी, और मैं इस इंडस्ट्री में
मतलब क्या बोलूँ, एक जो कंफर्टेबल जोन होता है मुझे वो बहुत ज्यादा चाहिए. मैं सेट पे मजे करने जाती हूँ, लिटरली मजे करने जाती हूँ, मुझे मस्ती करनी है. ऐसा कब कहा उन्होंने? ये इनसे स्पेशली बोला होगा? आपसे स्पेशली बोला था क्या? हाँ हाँ, बताया था बाबूजी ने. कहे थे वो आपको टाल गए थे, कहे थे टेढ़ी मेढ़ी में हमारी शादी हो रही, आइएगा. अगुआ वहीं रहेंगे. तो आप सबसे निवेदन यही है कि हमारी पर्सनल लाइफ छोड़िए, हमारी फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. उसको देखिए, आप लोगों को बड़ी मजा आएगी. एक गाना है, आप शादी की बात हुई अभी तो आवाज का, पहले मम्मी को जाके मनाना तब बनाएं जनाना. तो ये मम्मी को मना ले तो जनाना बना ले. सबसे पहले मेरे तमाम भोजपुरी दर्शकों को, सबसे पहले उनके अपने और सबसे चहेते प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार. और 2019 के जौनी दशहरा भाई बहुत सारा खुशियाँ लेकर आयल बा हमने सबके खातिर. और आप सबके बहुत 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 सारा शुभकामना दशहरा के. आप सबके घर में खुशियाँ भरी रहे, बनी रहे और हमेशा सुखी रहे मेरा पूरा भोजपुरिया समाज, मेरा भोजपुरिया परिवार. सभी लोग बहुत खुश रहें, संतुष्ट रहें, सुखी रहें, प्यार बना रहे, एकता बनी रहे सब में आपस में. यही ये दशहरा का जो त्यौहार है, ये विजयदशमी जिसे कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, आज के दिन अच्छाई की जीत हुई थी. तो ये आप सभी लोग के अंदर, जितने भी लोग हैं सबके अंदर, जितने भी अंदर रावण बसता है, जितने भी जिसके भी अंदर बुराई बसती है, उन सभी बुराई को मार कर ख़त्म कर कर आज सबसे प्रेम भाव से, सबसे गले लग कर सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना दीजिए. और साथ साथ ये प्रेम, ये एकता आपस में बढ़ाए रखिए. ये जो बार बार मैं एक बात बोलता हूँ कि कृपया करके इंसानियत को ज़्यादा फोकस करिए, जाति धर्म ये सब फलना ढिमका इन सब में बिल्कुल मत जाइए. सब में प्यार बांटिए, सब में बहुत सारा ढेर सारा लव यू. सर चूँकि आज प्रीमियर है छलिया फिल्म का, और हमारे जो छोटे भाई हैं प्रमोद शास्त्री, ये बहुत मेहनती हैं. वाकई जैसे चिंटू ने कहा है, मैं इनको बहुत सालों से जान रहा हूँ. देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन वो कहावत है ना कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर. तो ये जब भी कोई फिल्म बनाते हैं, ये पूरा कलरफुल फिल्म होती है. कहीं ना कहीं एक जो फ्लेवर होता है वो राजकुमार पांडे वाला तड़का, वो भी उसमें अपनी फिल्मों में डालते हैं और बहुत अच्छा लगता है. भव्यता होती है इनकी फिल्मों के अंदर. एक फिल्म बनाते हैं, फिर कुछ दिन ये उसके बारे में दूसरी फिल्म के बारे में सोचते हैं, फिर दूसरी फिल्म बनाते हैं. तो ये बहुत सशक्त और बहुत कर्मठ मेकर हैं. और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, दर्शकों से यही अपील करता हूँ कि छलिया को आप लोग देखें. प्रीमियर रखा है लोगों को दिखाने के लिए, इंडस्ट्री के लोग देख के अपना रिव्यू देंगे, तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट मूवी में अगर कुछ कमी रह जाएगी तो उसको पूरा करेंगे. इसलिए वैसे 18 तारीख को बिहार, झारखंड, गुजरात और मुंबई रिलीज हो रही मूवी, और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में भी रिलीज हो जाएगी. बोल रहे हैं सर, किस तरह की फिल्म होगी? छलिया एक्शन थ्रिलर प्लस फैमिली ड्रामा मूवी है उस तरह से. अब देखते हैं पब्लिक का क्या रहता है, और लास्ट तक पता नहीं चल पाता कि छलिया कौन है, लास्ट में ही पता चलता है. तो क्या कुछ नया देखने मिलेगा? नया इस मूवी का कॉन्सेप्ट ही नया है, क्योंकि जो आज की जनरेशन है, यूथ है, उसको किस तरह से आतंकवाद या नक्सलवाद पर बेस्ड है ये मूवी. तो उस पर क्या होता है कि नक्सलवाद में किस तरह से नए जनरेशन को ढकेल दिया जा रहा है, किसी भी चीज़ का लालच दे करके, पैसे का लालच दे करके, या उनकी फैमिली को परेशान करके, किस किस तरह से प्रताड़नाएं दे करके कुछ गलत लोग जो अपने हिंदुस्तान में अच्छा नहीं चाहते हैं उस तरह से, और सिस्टम में कितने लोग उसमें मिले रहते हैं, उसी तरह का एक मैटर है. कल्लू है, कल्लू हीरो है फिल्म के, यामिनी सिंह है, एक हर्ष ठाकुर है, अभी लॉन्च हो रहे हैं इसमें ही, और उनके साथ एक निशा झा है, बाकी मनोज टाइगर जी हैं, देव जी हैं, बाकी सारे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. अवधेश भैया का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है, 15 साल पुरानी मित्रता है हमारी इनकी, और हम साथ में काम करते रहते हैं. छलिया में चूंकि मुझे ऐसा कोई विलन चाहिए था जिसको पता ना हो, विलन ना रहे, इसलिए भैया नहीं रह पाए. नेक्स्ट मूवी और मेरे साथ इनकी कई फिल्में आ चुकी हैं और आगे भी आती रहेंगी. भैया का आशीर्वाद मिलता रहता है. छलिया के लिए बहुत दिल से इनको दुआ देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा. ये बहुत अच्छे सुलझे हुए मेकर हैं. इन्होंने, इनके साथ मैंने पहले भी फिल्में की हैं, अपन माटिया अपन देश, रब्बा इश्क ना, रब्बा इश्क ना, अरे तू बदमाशी मत कर, तू रह प्यार से रह. ये मैं आया यहाँ पे, मेरे बगल में आ गई है, और जैसे मैं उठने लगता था ये मुझे काटने लगती थी कि उठो नहीं. और इन लोगों ने इंटरव्यू के लिए बोला, गिरना नहीं, गिरना नहीं. तो मेरा पशु प्रेम तो है ही, तू जाएगी, जाएगी तू, इसको रख देता हूँ. मैं इसमें नहीं हूँ,
मैं इसमें केवल ब्लेसिंग के लिए आया हूँ। हमारे बहुत प्रिय हैं प्रमोद जी, इनके साथ जुबान से दूंगा, दिल से दूंगा। मेरा अंदाज यही है कि बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई, अच्छी फिल्म आप बनाते हैं, बनाते रहे हैं और बनाएंगे। छलिया भी बहुत अच्छी फिल्म होगी, जितना मैंने सुना है इस फिल्म के निर्माण से लेकर के अभी तक की जो प्रक्रिया, बहुत अच्छी फिल्म, सुलझी हुई फिल्म, और ये सुलझे हुए लोग सुलझी हुई फिल्में बनाते हैं। एक यंग जनरेशन जितने आए हैं इस इंडस्ट्री में, तो सिनेमा प्रेमी के लिए भी एक उम्मीदें बढ़ी हैं, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए भी बढ़ी है। उन उम्मीदों में ये चार चांद लगाने के लिए आए हैं और लगाते रही हुई, यही दिल से दुआ दूंगा। अन्य कलाकार जो भी है इसमें सब मेरे प्रिय हैं। कल्लू बहुत ही एक बचपन से उसको देख रहा हूँ, बहुत सुलझे हुए अभिनेता हैं। उनके साथ मेरी लगातार कई फिल्में हैं, बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में। देव सिंह जो है मेरे बहुत, क्या बोलते हैं उनको, प्रिय कह सकते हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और आपने उनको उत्तराधिकारी बना दिया? उत्तराधिकारी नहीं बनाया, मैं कौन होता हूँ बनाने वाला, मैं किसी के लिए कोई कुछ कर नहीं पाता है। इस मामले में तो मैं भैया को रोकना चाहूँगा और कहना चाहता हूँ कि प्रतिभा देखते ही तुरंत उसको तराश करके जितनी हाइट पर जा सकती होगी उतना हाइट तक ले जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देव सिंह है। और अभी भैया की नज़र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री के लिए कुछ करें और बढ़िया करें, उस पर इनकी नज़र रहती है। जैसे ही प्रतिभा देखते हैं तुरंत टच कर देते हैं, तुरंत उसको चाहते हैं कि जितनी हाइट पर जा सके जाए। ये बहुत अच्छा है, ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं, और जिसमें गुण है वो तो ऊपर वाला माध्यम किसी न किसी को बनाता है, और ये मेरी किस्मत है कि मैं माध्यम बन पाता हूँ कुछ लोगों का, या बन जाऊँ तो मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं देव में एज एन एक्टर वो चीज़ें ढूंढ लेता हूँ जो मैंने शायद छोड़ रखी है, मेरे में कुछ कमियाँ होंगी जिसको सुधार करके वो प्रेजेंट करता है, या जो चीज़ मैं कर नहीं पाया हूँ इतने दिन विलेन रहने के बाद, तो वो देव कर पाते हैं, और इस बात का मुझे बड़ा प्राउड होता है। और वो तमाम लोग जो वो अपने काम को बखूबी जाने हैं, वो सब मेरे बहुत प्रिय हैं। मेरी शत्रुता किसी से व्यक्तिगत नहीं होती है, काम को लेकर के ही थोड़ा मनमुटाव हो सकता है कि अच्छा या बुरा। मैं संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, और लोगों का साथ जब तक नहीं मिले सब लोग का उतना ही इसमें सपोर्ट होता है। सबसे पहले आप सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और छलिया 18 अक्टूबर को रिलीज़ है। फिल्म बहुत प्यारी बनी है, प्रमोद शास्त्री जी ने खूबसूरत फिल्म बनाई है, और इसमें मेरा रोल भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा रोल है, इंस्पेक्टर का रोल है। मुझे लगता है इसमें मेरा जो डायलॉग है वो भी ज़रूर लोगों को पसंद आएगा, हम दरोगा हैं दोसर घुसा दे मोसर। और एक बहुत दिनों के बाद एक अच्छी स्क्रिप्ट मेरे हाथ लगी थी जिसको करके बहुत मज़ा आया। सिर्फ प्रमोद जी ने मुझे इतना ही बोला था कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, इस फिल्म में आप ही आप हो, और लिटरली वो फिल्म करके ये लगा कि मैं इस फिल्म में नया कुछ करने को मिला है। बहुत वेरिएशन है फिल्म रोल में मेरे, और 18 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है। पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, साथ में मेरी एक हिंदी फिल्म भी रिलीज़ हो रही है क्रिकेट, तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा क्षण है। हिंदी भी रिलीज़ हो रही है, भोजपुरी भी रिलीज़ हो रही है। प्रोड्यूसर के बारे में इतना कहूँगा कि बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे इंसान के साथ, गौतम जी बहुत ही अच्छे इंसान है, और सेट पे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, किसी भी एक्टर हो या टेक्नीशियन किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देते। पहले तो जय श्री राम, आज दशहरा है, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। छलिया फिल्म देखी, कल्लू को मैं जानता हूँ, मैंने कल्लू के साथ एक फिल्म की थी, इस फिल्म में मैं नहीं हूँ लेकिन ये फिल्म मैं देखने आया, बहुत ही बढ़िया फिल्म, टेक्निकली बहुत अच्छी, और एक मैसेज है, एक पूरे परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है। और कल्लू के साथ की थी मैंने सैया सुपरस्टार, उस वक़्त कल्लू उभरता हुआ कलाकार था, अभी इस फिल्म में वो परिपक्व हो गया एकदम, बहुत अच्छा काम किया है। और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने पूरे परिवार के साथ ये फिल्म देखें। देखिए डायरेक्टर जो हैं प्रमोद शास्त्री साहब, उनसे मेरी नई नई पहचान हुई है, यूथ है, नए हैं,
कुछ एक नई चीज लेकर आए हैं और एक नए उमंग के साथ आए हैं। आप सबको मेरा प्रणाम, समर चतुर्वेदी का। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और मैं यही कहूंगा कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रमोद जी ने फिल्म बनाई है। बहुत अच्छी स्टार कास्ट है और स्टार कास्ट का कहीं भी ऐसा आप सिनेमा देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये कहीं भी बेकार गई है। और सबसे बढ़िया बात जो इस सिनेमा में है वो ये है कि इसका सब्जेक्ट अपने आप में हीरो है, बाकी हम सब किरदार अपना समय समय पर कर रहे हैं। एस के चौहान जी ने बहुत अच्छी लिखी है, हर किरदार को अपना एक फुटेज, अपना एक दमदार चरित्र दिया है। तो पूरी टीम को, जिस टीम का हिस्सा मैं भी हूँ, शुभकामना है और आप सबको आज दशहरे की भी शुभकामना है। दशहरे के दिन हम लोगों की फिल्म का प्रीमियर हो रहा है और 18 तारीख को फिल्म आके रिलीज होगी, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। आज सत्य की जीत होगी तो छलिया में भी सत्य की जीत होती है, कैसे होती है वो देखिएगा आप। बहुत सारा प्यार मिलेगा कि सबके वो लोग दिल से प्यार करें। हम एक राइटर बने और हम उस दर्द के समझ सकते हैं कि कितना मेहनत के बाद एक सिनेमा बनेगा, कितना खूबसूरती के साथ लोग जुनून के साथ लगन के साथ बनावेगा। और ऐसे भी कल्लू भाई के साथ हमारा बहुत पुराना लगाव है, जब वो इंडस्ट्री में बहुत कम काम करते थे तब उनके हम ही सिनेमा लाइने बोले ले रहे जो सिनेमा करा था, लेकिन आज उनके देख के बहुत खुशी होगा कि आज के समय में बहुत अच्छा नाम कर, बहुत अच्छा काम कर, उनके बहुत सारा शुभकामना, बहुत सारा प्यार बाकी ये तरह हमेशा आगे काम कर सकते।